पिछले काफ़ी दिनों से हमारे पिछले एक दो महीने से हमारे जो ताजर हैं यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं महाराजगंज एरिया के पर्टिकुलरली बोरी कदल और एसआरगंज इन एरिया से इनकी कंप्लेंट्स आती थी कि जो हमारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह में ज़्यादा चोरी हो रही है, दुकानदारों की ही हो रही थी। तो हम इसमें हमने टीम भी बनाई थी अपनी लेवल पे, थाना पुलिस स्टेशन पे बनाई हुई थी, चौकी में भी एक टीम बनाई हुई थी। तो ये इसको ट्रैक कर रहे थे काफ़ी दिनों से। अल्टीमेटली हम सीसीटीवी की हेल्प से हमें इसमें आइडेंटिफिकेशन हुई इन चोरों की। तो ये अपने ही इनके यहाँ जो चौकीदार रखे हुए थे इन्होंने, जो इनके नाइट वॉचर्स थे, जो दुकानदारों ने ही रखे हुए थे और वो इन्हीं की रखवाली कर रहे थे, उन्हीं में से दो आदमी इसमें पकड़े गए हैं। कुछ एक दो लोग फरार हैं, उनकी भी हम आगे तलाश करेंगे। तो रिकवरी सारी आपके सामने ही हैं। तो इसमें बान महला चौकी के जो ऑफिसर हैं इनका बड़ा रोल रहा है, इनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया इसमें रिकवरी में, सुबह आइडेंटिफिकेशन वगैरह में। तो ये एक घर में रहते थे और वहीं पे ये सारा सामान जमा करके बाकी इलाकों में बेचा करते थे। तो इसमें और भी हमें लीड्स मिली हैं, वी आर सीइंग फ्रॉम ऑल एंगल्स के कहाँ इन्होंने बेचा है और रिकवरी एक्सपेक्टेड हैं। तो फिलहाल हमारे पास दो चोर हैं और रिकवरी का सामान सारा आपके सामने ही है। इसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, हाउस होल्ड आइटम्स ऑलमोस्ट सारे ही इन्होंने चुराए हुए हैं, ब्लैंकेट्स हैं, अम्ब्रेलाज हैं, मिल्क है, मतलब कोई भी ऐसा आइटम आपको नहीं मिलेगा जो नहीं है। कुछ कॉपर के कुछ बर्तन बेचा करते थे। तो इसमें और भी हमें लीड्स मिली हैं, वी आर सीइंग फ्रॉम ऑल एंगल्स के कहाँ इन्होंने बेचा है और रिकवरी एक्सपेक्टेड हैं। तो फिलहाल हमारे पास दो चोर हैं और रिकवरी का सामान सारा आपके सामने ही है। इसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, हाउस होल्ड आइटम्स ऑलमोस्ट सारे ही इन्होंने चुराए हुए हैं, ब्लैंकेट्स हैं, अम्ब्रेलाज हैं, मिल्क है, मतलब कोई भी ऐसा आइटम आपको नहीं मिलेगा जो नहीं है। कुछ कॉपर के कुछ बर्तन भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ हैं आइटम्स, तो ये आपके सामने ही है बाकी सारे आइटम्स। रिकवरी की डिटेल आपको हम दे देंगे। ये देखें पिछले पाँच चार महीने से, ये तीन महीने से ज़रा ज़्यादा था इसका। तो इसमें और भी अभी चोरी जो हैं के जो आइटम्स हैं हमें चोरी के, वो और भी हमें रिकवर हो जाएंगे। लेकिन ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दो महीने में ये इन्होंने जमा किया था, अब इनको फर्दर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना था आगे। देखें वो शॉपकीपर्स वगैरह को थोड़ी थोड़ी चोरी करके ये बढ़ा रहे थे इसको, क्योंकि चौकीदार ही थे इनके, अपने ही यहाँ के वाचर थे, तो उनको तो पता था। लेकिन अपने इन पे शक नहीं था कि हमारे ही नाइट वाचर जो हैं, हमने जो हायर किए हुए हैं, वही चोरी कर रहे हैं। बेसिकली काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे तो पता नहीं चलता था, रात के टाइम में यूजली करते थे। इनको पता था सीसीटीवी कहाँ पे हैं, शॉपकीपर्स ने लगाए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के मार्केट के ये नाइट वाचर थे, चौकीदार थे। तो ये उन जगहों पे उस कैमरे को कुछ ऐसा कर लेते थे, उसके बाद वहाँ चोरी करते थे या बैक साइड से आके कर लेते थे। काफ़ी उसमें रिकवरीज तो हो चुकी हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं आपके माध्यम से, वो आता भी रहता है, पब्लिक में आता रहता है। तो उसमें भी काम चल रहा है, जहाँ हमें लीड मिलती है हम कर लेते हैं, कहीं आइडेंटिफिकेशन में होता है। इस सारी बात से ये बात निकल के बड़ी इंपॉर्टेंट बाहर बात आती है कि सीसीटीवी कैमराज जो हैं उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस बन चुकी है। तो सारे लोग शॉपकीपर्स हमारे आपके ही मीडियम के थ्रू हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपने घरों में शॉप्स पे, ये उनके बेनिफिट के लिए है कि सीसीटीवी इंस्टॉल करें। तो जब तक आप लोग पुलिस से कॉपरेट नहीं करोगे, हम भी आगे बढ़ने में इसमें हमें भी दिक्कत आती है। तो वी आर ऑन इट, जितने जल्दी होगा, बाकी एक का दुका केस होंगे जो अभी तक सॉल्व नहीं होंगे, मैक्सिमम ऑफ दैट जो आप कह रहे हैं वो सॉल्व हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो आपकी बात है मैं समझ गया, यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों को पता था, ये मार्केट वालों ने रखे हुए थे, तो इनके बाजबता थाने में टेनेंट वेरिफिकेशन हुई थी। लेकिन ये पता नहीं था कि अपने ही इनके जो लोग हैं वही चोरी कर रहे हैं। तो इसमें हमें सीसीटीवी ने काफ़ी इंपॉर्टेंस रही, उसकी मदद से ही हम ये क्रैक कर पाए। वो सारी रिकवरीज आपके सामने देखें, अभी टेंटेटिव अमाउंट तो हम आपके सामने जो है ये 10 लाख के आसपास होगा, लेकिन फदर्स भी हम सोच रहे हैं कि और भी निकलेगा कुछ। थैंक यू।